यार, रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में क्या फर्क है? क्या पीएचडी में रिसर्च पेपर लिखना ज्यादा जरूरी है या रिव्यू पेपर? अब मैं प्रोफेसर साहब को कैसे बोलूं कि मैं रिव्यू पेपर लिखना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि रिसर्च पेपर से वो कैसे डिफरेंट है। अगर आपके भी यही मसले मसाइल हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च पेपर वर्सेज रिव्यू पेपर, इन दोनों में फर्क क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल और आज साइंटिफिक राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का डे नंबर 7 है। चलिए जंप इन करते हैं। ये हमारा 6 माह का प्रोग्राम है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज है डे 7 और डे 7 में हम देखने वाले हैं कि रिसर्च पेपर वर्सेस रिव्यू पेपर या रिव्यू आर्टिकल वर्सेस रिसर्च आर्टिकल में क्या फर्क है। आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो साइंटिफिकली आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसे पेपर भी बोला जाता है और आर्टिकल भी बोला जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहली चीज ये, एक 5 डिफरेंसेज हैं बिटवीन अ रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। तो रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर जो मेजर डिफरेंसेज हैं वो पहले हम देखते हैं, फिर इसको देसी अंदाज में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, ये पहला क्या है, व्हाट इज द पर्पस? दोनों का पर्पस डिफरेंट होता है। द पर्पस ऑफ रिसर्च पेपर इज टू कंडक्ट एंड रिपोर्ट अ डिटेल्ड ओरिजिनल रिसर्च स्टडी। इट प्रेजेंट्स द ऑथर्स यूनिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिनल रिसर्च स्टडी के ऊपर बेस करता है। अब रिव्यू पेपर क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू क्रिटिकली एनालाइज प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो मेजर फर्क है वो ये है, रिसर्च पेपर के अंदर एक ऑथर या एक साइंटिस्ट अपनी ओरिजिनल रिसर्च को बताता है, वो रिसर्च जो उसने खुद से प्लान की है, उसका डेटा अपना डेटा है। अब इसमें 2 किस्म के डेटा सेट्स होते हैं जब भी आप किसी रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आप गौर से समझिएगा। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो आपका अपना डेटा है, आपने एक्सपेरिमेंटेशन या सर्वेज के थ्रू वो डेटा खुद से कलेक्ट किया है और वो डेटा सबसे पहले आपने मेजर किया है। ठीक है, यानी कि कोई हाइट है, कोई विड्थ है, कोई सर्वेयर क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का डेटा जो आपने खुद से निकाला है या खुद से एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लेके आए हैं। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो किसी ने डेटा को कलेक्ट किया लेकिन वो डेटा अवेलेबल है एंड देन यू कैन यूज दैट डेटा। समझ आ गई यहां तक? ये दोनों किस्म के डेटा जो हैं ये डिपेंड करता है आप उनको कैसे लिखते हैं, एंड दीज बोथ कैन बी यूज्ड इनसाइड अ रिसर्च पेपर। जैसे प्राइमरी डेटा होता है वो आपका अपना डेटा, आपने खुद से रिसर्च किया और आप उसमें कोई नॉवल्टी लेके आ रहे हैं और कुछ रिसर्च का यूनिक पॉइंट जो है वो अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, तो वो हो गया रिसर्च पेपर। रिव्यू पेपर के अंदर बाकायदा आप क्या करते हैं, आपने जो पिछला सारा काम हुआ है उसमें सेकेंडरी डेटा ज्यादा होता है, बट सेकेंडरी डेटा कैन ऑल्सो बी यूज इन रिसर्च पेपर। हम यहां पे बात करें सिर्फ रिव्यू पेपर की। रिव्यू पेपर में आप लोगों का सारा डेटा लेके आते हैं और उसको क्रिटिकली एनालाइज करके लोगों को बताते हैं कि पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्या एडवांसमेंट हुई है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। और रिव्यू पेपर एक स्पेसिफिक नीश का होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, और रिव्यू पेपर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिसेंट एडवांसेस लोगों का काम बताते हैं, रिसर्च पेपर के अंदर आप अपना एनालिसिस बताते हैं। अब होता क्या है कि रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में एक फाइन लाइन भी है। जब आप सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटा एनालिसिस करते हैं, या आप क्रिटिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ऑनलाइन डेटा बेसिस का, देन यू कैन ऑल्सो डू एंड पुट दैट इनटू प्राइमरी इनटू योर सेकेंडरी डेटाबेस, प्लस यू कैन डू दैट इन रिसर्च पेपर। लेकिन जब भी आप बात करते हैं रिव्यू पेपर की, रिव्यू पेपर में आप सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज करके उसे रिपोर्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। सेकेंड है कि व्हाट इज इट बेस्ड ऑन। अब जो रिसर्च पेपर है, इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय द पेपर्स ऑथर। दिस इज नोन एज प्राइमरी लिटरेचर। समझ आ गई? प्राइमरी डेटा या प्राइमरी लिटरेचर जो है वो उस ऑथर का है। और रिव्यू पेपर किसका होता है? इट इज बेस्ड ऑन existing published articles, it does not report any original research, this is known as secondary literature. समझ आ गई बात की? सेकेंडरी लिटरेचर यानी कि आप लोगों का डेटा लेते हैं और बताते हैं कि फलां बंदे ने भी यह काम किया, फलां ने भी यह काम किया। इसकी मिसाल मैं देता हूं, आप घर में रेसिपी बनाते हैं और रेसिपी बनाने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े तलते हुए या पकौड़ों को फ्राई करते हुए या बनाते हुए आपको पता है कि आलू इतने इतने बारीक काटने हैं, नमक मैंने 1 चम्मच डाला है, मैंने फिर उसमें मसाले भी डाले हैं, जीरा भी डाल दिया और उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया, या यू एडिड सम काइंड ऑफ स्पिनिश लीव्स
तो उसको डालने के बाद आपके पकोड़े कैसे बने। तो वो जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं आपके बनाने के बाद, वो आपका प्राइमरी डेटा है, वो आपका अपना डेटा, अगर आप उसको पब्लिश करते हैं उस रेसिपी को, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अगर आप लोगों का बताते हैं कि फलां बंदे ने इस तरीके से बनाए थे, फलां बंदे ने इस तरीके से बनाए थे, फलां बंदे ने इस तरीके से बनाए थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया इसमें ये वाला टेस्ट, ये वाला टेस्ट, ये वाला टेस्ट, और बेस्ट कौन सा इन तीनों में, आपने अपना कोई नहीं पकौड़े बनाए, आपने सिर्फ पकौड़ों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में लिख दिया, यू डिडंट एक्चुअली प्रिपेयर दोज पकौड़ास, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रिव्यू पेपर। समझ आ गई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। अब आगे चलते हैं, फिर आता है तीसरा, हाउ इज इट रिटन। यूजली क्या होता है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है, द ऑथर फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्ट रॉ डेटा एंड कंडक्ट एन ओरिजिनल स्टडी, ठीक है। आप ओरिजिनल स्टडी कंडक्ट करते हैं और यहाँ पे द रिसर्च पेपर इज देन रिटन बेस्ड ऑन द एनालिसिस, बेस्ड ऑन एन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जो आपका डेटा है आप उस पर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप उसे पब्लिश करते हैं, और उसको एनालिसिस के दौरान आप बताते हैं ये मेरा डेटा है, उस पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी आप करते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ अदर एनालिसिस बेस्ड ऑन योर रिसर्च फील्ड, और आप जब उसे पब्लिश करते हैं दैट मींस वो डेटा आपका अपना है, वो आपका प्राइमरी डेटा है और वो एक रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश होगा। फिर आप उसके अंदर मेथोडोलॉजीज भी लिख रहे हैं कि मैंने ये काम कैसे किया, हर एक स्टेप को आप मेंशन करते हैं ताकि दुनिया में जो भी इसे पढ़े वो इसे रेप्लीकेट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ये रिसर्च का मकसद होता है। अब रिव्यू देखते हैं, द ऑथर सेलेक्ट अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड देन समराइज एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो जो ऑथर है वो बेसिकली डेटा को कलेक्ट करता है और उसे समराइज करता है। दिस इज डन इन एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक करंट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये आप क्यों करते हैं एज एन ऑथर, आप करंट स्टेट ऑफ दैट नॉलेज को समराइज करते हैं ताकि किसी भी बंदे को रिव्यू आर्टिकल पढ़ने से ही पता चल जाए पिछले 5 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में क्या हुआ या पिछले 3 सालों में क्या हुआ, डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। और इसका मकसद क्या होता है, इसका बेसिक पर्पज यह होता है कि कोई भी नया स्टूडेंट इस फील्ड में आए वो सिर्फ रिव्यू आर्टिकल पढ़े, उसे पता चल जाए कि इस फील्ड में चल क्या रहा है। यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और समरी, और यूजली एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिव्यू पेपर को लिखते हैं। जो रिसर्च पेपर होता है वो बेसिकली आपकी अपनी स्टडी होती है जो आप खुद से एनालाइज कर रहे होते हैं। अब आता है जनाब फोर्थ स्टेप, व्हाट डज इट रिपोर्ट। यूजुअली जो आपका रिसर्च आर्टिकल होता है इट रिपोर्ट्स ईच स्टेप ऑफ द स्टडी इन डिटेल, जिसमें मेथोडोलॉजीज भी आ जाती हैं। दिस इंक्लूड एन एब्स्ट्रैक्ट, द हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड स्टडी, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड एन इंटरप्रेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, ठीक है। डेटा को लेके उसके एनालिसिस करके मेथोडोलॉजी, बैकग्राउंड स्टडी एंड वट एवर यू डिड यू हैव टू रिपोर्ट दैट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑफ द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट्स, of how the study contributes to existing literature and suggestion for future research. अब आप क्या करते हैं, जो आपके पास चैलेंजेस आए हैं, जो आपने काम किया अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर या अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वो आपने हर एक चीज रिपोर्ट करनी होती है। यही नहीं, आप इसमें यह भी रिपोर्ट करते हैं कि अभी के लिए हमने इतना किया, फ्यूचर में जिसने इससे आगे जाना है दैट पर्सन कैन डू अ बिट मोर, वो ये वाली डायरेक्शन हो सकती है। फिर आप रिसर्च आर्टिकल के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर अपनी फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन ऐसे देते हैं जो दूसरों के साथ भी आपने कंपेयर करनी होती है, यानी कि रिसर्च आर्टिकल के डिस्कशन के पार्ट के अंदर आप बेसिकली पुराना लिटरेचर भी रिव्यू करते हैं ताकि आपको पता चले कि अगर मेरे पकोड़े इतने टेस्टी बने हैं तो फलां बंदे के भी इतने ही टेस्टी थे, उसके भी यही पैरामीटर थे, इसका मतलब है जो मैंने काम किया वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है एंड वी आर इन लाइन विद दोज रिजल्ट्स। अगर आप थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट ज्यादा बेहतर है, उसमें ये मसला था, नमक कम था या मिर्च कम थी या उन्होंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, इसकी वजह से उनके पकोड़े ठीक नहीं थे, हमारे पकोड़े ठीक बने। तो ये एग्जांपल पकोड़ों की मैं इस वजह से नहीं दे रहा कि आपके मुंह में पानी आए और आप पकौड़े बनाने बैठ जाए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से रिसर्च पेपर और लिटरेचर रिव्यू काम करता है। इट आइडेंटिफाइज एंड रिपोर्ट्स, जो रिव्यू पेपर है वो रिपोर्ट करता है commonalities between the results of the cohesion studies. If there are discrepancies, then the authors try to provide reasons for conflicting results. अब जो काम आप रिसर्च के डिस्कशन में कर रहे होते हैं वही काम आप यही समझे कि जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स आज तक पब्लिश हुए उनका आपस में कंपैरिजन करवाना है, यानी कि देखना कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। तो आप एक मुनसिफ की तरह क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा को, और रिव्यू पेपर के अंदर आप बेसिकली दोनों का कंपैरिजन भी बताते हैं। और अच्छा रिव्यू आर्टिकल वही होता है जो कंपैरिजन, कॉमनैलिटीज, सिमिलैरिटीज, डिस्क्रिपेंसीज इनको डिटेल में क्रिटिकली एनालाइज करके बताता है कि इसकी वजह क्या है, इन दोनों के रिजल्ट सेम क्यों नहीं आए। सो दैट्स हाउ यू राइट योर रिव्यू पेपर। अब रिव्यू पेपर के अंदर एक और चीज है, विद अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव The author analyze available information from published work and report any problem with or with problems with or gaps within the existing literature.
अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना क्यों जरूरी होता है हर किसी के लिए? जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं ना पेपर्स को, आपको स्टडी गैप मिल जाता है और आप वो स्टडी गैप रिपोर्ट भी करते हैं और आप उसकी बेस पे अपना रिसर्च आर्टिकल भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं या अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी एक रिसर्चर हैं, आपके लिए रिव्यू पेपर लिखना इंतहाई जरूरी है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी पीएचडी स्टार्ट करें या मास्टर का थीसिस लिखना स्टार्ट करें, बल्कि मास्टर के थीसिस के पहले सेमेस्टर में या मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में या पीएचडी के पहले सेमेस्टर में एटलीस्ट दो रिव्यू आर्टिकल जरूर लिखें, दो रिव्यू आर्टिकल जरूर लिखें। मैं फिर से कहता हूं, दो रिव्यू आर्टिकल्स। रीजन बिहाइंड दैट, जब तक आप पढ़ते नहीं है आपको पता नहीं चलता कहां पे गैप है। अगर आप ऐसे मुंह उठा के रिसर्च स्टार्ट कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिसर्च गैप कहां पे है? और अगर आपको रिसर्च गैप का नहीं पता चलेगा, इसका मतलब है आपको ये नहीं पता चलेगा आपकी रिसर्च की डायरेक्शन कहां पे है। अगर वही काम जो 1990 या 1995 के अंदर किसी ने कर दिया हुआ है, आप उठा के सेम रेप्लिकेट कर रहे हैं या किसी का काम उठा के आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका पेपर बहुत बड़े जर्नल में चला जाए? नहीं ना पॉसिबल। इस वजह से रिव्यू आर्टिकल लिखना जरूरी है। अब समझ आई कि स्टडी गैप फाइंड आउट करते हैं और आप बताते हैं। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हाउ लॉन्ग शुड इट बी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर कितना लॉन्ग होने चाहिए और रिव्यू आर्टिकल कितना। इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड काउंट स्पेसिफाइड बाय द जर्नल, बट वर्ड लिमिट यूजली रेंजेस बिटवीन 3000 से 6000 वर्ड्स। फॉर सम जर्नल द वर्ड लिमिट माइट इवन अप टू 12,000। रिसर्च आर्टिकल की जो वर्ड लिमिट होती है वो आप लिख ही नहीं सकते ज्यादा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसको लिख रहे होते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी देखेंगे, यू हैव टू डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें सबसे पहले चीज ये होती है कि जितने आपके पास रिजल्ट हैं आप उतना ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते। आप कितना की डिफाइन कर लेंगे चीजों को, और डिस्कशन लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से जितनी शॉर्ट हो उतनी बेहतर होती है, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन एंड समथिंग लाइक दैट। अब जर्नल्स ने पहले से डिफाइन किया होता है देयर ऑथर गाइड के अंदर कि कितने वर्ड्स आपने लिखने हैं। यूजुअली वो 6000 के करीब होते हैं फॉर रिसर्च आर्टिकल, 12 तक भी चले जाते हैं अगर आपका रिसर्च आर्टिकल बहुत ही कमाल का है। और नेचर वाले जो हैं वो 6 से ऊपर नहीं जाते, जो बड़े जर्नल्स हैं वो थोड़े को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च आर्टिकल की लिमिट कितनी है, मैंने आपको बताया 3000 से 6000 वर्ड्स और एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेज है। अब बात करते हैं रिव्यू पेपर की। द वर्ड लिमिट यूजली रेंजेस बिटवीन 3000 टू 5000 वर्ड्स। इन सम केसेस अ लॉन्गर और रिलेटिवली शॉर्ट रिव्यू पेपर माइट आल्सो बी पब्लिश डिपेंडिंग ऑन द जर्नल। अब आपकी जो 3000 से 5000 की लिमिट है वो है रिव्यू पेपर की, लेकिन होता क्या है, कुछ जर्नल्स कह देते हैं कि हमें शॉर्ट मिनी रिव्यू लिख के दे दें। वो मिनी रिव्यू 2000 से 2500 का भी हो सकता है, वो मिनी रिव्यू इससे भी छोटा हो सकता है। इवन समटाइम्स आप कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मिनी रिव्यू या मिनी पब्लिकेशन भी देते हैं, आप लेटर टू एडिटर भी लिखते हैं जो 3 पेजेस के हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कितनी किस्म की साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, बट रिव्यू पेपर आपका 3000 से 6000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लीज लिमिट दैट बिटवीन 3000 टू 6000 वर्ड्स। और वर्ड काउंट कैसे किया जाता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन इट गिव्स यू द वर्ड काउंट। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, जब आप वर्ड काउंट कर रहे होते हैं उस वक्त आपको अंदाजा लगता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा लिख लिया। आप क्या करें, फर्स्ट ड्राफ्ट, जो मैं तरीकाकार बताता हूँ रिव्यू पेपर को लिखने का, फर्स्ट ड्राफ्ट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखें। सेकंड ड्राफ्ट जिसमें हम एवेल्यूएट करते हैं उसको फिर कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और ओमिट करते हैं यूजलेस वर्ड्स को या अननेसेसरी वर्ड्स को, अननेसेसरी सेंटेंसेस को, डुप्लीकेशंस को, रेपिटेशंस को, इस तरह की चीज़ों को हम निकालते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत क्लियरली आपको बताई हैं, जहां पे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ राइटिंग को देखा था। और आप लेक्चर जो पिछला है, पिछले दो लेक्चर्स में कहूंगा, वो जरूर देखें, उसमें ये सारी चीजें मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। अब आपका टास्क है एक छोटा सा, वो टास्क ये है, आपने 5 रिव्यू पेपर्स एंड 5 रिसर्च पेपर्स अपनी नीच से रिलेटेड, अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड उन्हें निकालना है ऑनलाइन डेटाबेस से, और उन्हें उनकी पीडीएफ जो है उनको निकाल के पढ़ना है। मैंने पिछले लेक्चर में 10 रिव्यू आर्टिकल्स का आपको टास्क दिया था, खासतौर पे जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनको पता है, तो 10 रिव्यू आर्टिकल आपने पढ़ लिए होंगे। अब आपने 5 सेपरेट निकालने हैं इन एडिशन टू दोस 10 रिव्यू आर्टिकल्स, बेशक उनमें से निकाल लें, बेशक नए वाले निकाल लें। आपने 5 रिसर्च आर्टिकल्स एंड 5 रिव्यू पेपर अपने फील्ड, अपनी नीच और कीवर्ड डिजाइन जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था उनकी बेसिस पे निकाल। जैसे आप ये निकालेंगे आपको समझ आ जाएगा कि रिसर्च आर्टिकल और दूसरे में क्या फर्क होता है। और ऑब्वियसली अगला लेक्चर जो हमारा अगले दिन का है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से रिसर्च पेपर को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से आप रिव्यू पेपर को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 5 रिसर्च आर्टिकल और 5 रिव्यू आर्टिकल, इन दोनों को निकाल के पढ़ें। इवन दो यू नो मेनी थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स, आपके 10-10, 12-12 पब्लिकेशन होंगे, बट प्लीज डू दीज असाइनमेंट्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। ये मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग है, ये बेसिकली सिर्फ सुनने का नाम नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड विद मी, इफ यू लर्न दीज थिंग्स बाय डूइंग,
देन यू विल अंडरस्टैंड कि 6 माह के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दोनों में किस किस किस्म का फर्क होता है, खासतौर पर रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल की स्ट्रक्चर के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।